PCOD और PCOS क्या ये एक दूसरे से अलग हैं? हम में से बहुत से लोग इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही बीमारी के लिए करते हैं। हालांकि ये दोनों बीमारियां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही हैं, लेकिन वो कई तरह से एक दूसरे से अलग होती हैं। आइए आज हम PCOD और PCOS के बारे में कुछ बातें जानते हैं। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, महिलाओं का एक स्वास्थ्य मुद्दा है जिसमें ओवरीज में मौजूद अंडे सिस्ट में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज आकार में सामान्य से बड़े हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से यह एक महिला के जीवन, उसके शरीर के साथ साथ फर्टिलिटी पर बुरा प्रभाव डालते हैं। PCOD में पीरियड सामान्य रहते हैं, हालांकि कभी कभी महिलाओं को पीरियड्स में देरी का अनुभव हो सकता है। PCOD के लक्षण: मोटापा और वजन बढ़ना, अनियमित पीरियड्स, माहवारी या पीरियड्स के समय हैवी ब्लीडिंग, बालों का झड़ना, बांझपन। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज में एंड्रोजन हार्मोन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिसके कारण हर महीने एक महिला के शरीर में दर्जनों ओवेरियन सिस्ट बन जाते हैं। PCOS से पीड़ित लड़कियों को अनियमित पीरियड्स, मासिक धर्म में देरी और यहाँ तक कि बिल्कुल भी पीरियड्स का अनुभव नहीं होता है। यह स्थिति PCOD से भी ज्यादा गंभीर होती है। PCOS के लक्षण: मोटापा, अनियमित पीरियड्स, एमेनोरिया यानी कि कोई मासिक धर्म नहीं, बांझपन, बालों का झड़ना या गंजापन, चेहरे पर अत्यधिक बाल, एंजाइटी और डिप्रेशन। PCOD और PCOS के बीच अंतर: एक, गंभीरता। PCOD को आमतौर पर एक बीमारी के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे प्रॉपर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट के जरिए ठीक किया जा सकता है। वहीं PCOS एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि एक गंभीर स्थिति है। दो, कॉम्प्लिकेशंस। PCOS ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। PCOS से पीड़ित महिलाओं में हृदय संबंधित समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा होता है। तीन, सिम्टम्स का दिखाई देना। PCOS के लक्षण जैसे कि शरीर पर अत्यधिक बाल, मुहासे और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं टीनेज से ही दिखाई देने लगती हैं। चार, ओव्यूलेशन। PCOD से पीड़ित महिलाएं नॉर्मली ओव्यूलेट कर सकती हैं और उन्हें प्रेग्नेंट होने के लिए बस थोड़ी मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन PCOS से पीड़ित महिलाएं हार्मोनल इंबैलेंस के कारण ओव्यूलेट नहीं कर सकती हैं, जिससे कि बांझपन और गर्भपात हो जाता है। उपचार: PCOS का इलाज नहीं किया जा सकता है और यह अपने आप खत्म भी नहीं होता है। PCOD का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसके वापस आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उपचार प्रक्रियाओं में डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, वजन को नियंत्रित करना, धूम्रपान छोड़ना आदि शामिल हैं। इसके अलावा डायबिटीज के इलाज के लिए, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, रेगुलर पीरियड्स आदि के लिए कई दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की PCOD और PCOS से जुड़ी वीडियो। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएं।